नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पांडुर्ना, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ राज्यपाल के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस विधायक एवं कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक कार्यालय से साइकिल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर के शंकर नगर, समता कॉलोनी, गुजरी चौक, जयस्तंभ चौक, तीन शेर चौक, अंबिका चौक होते हुए SDM कार्यालय पहुंचे। विधायक नीलेश उइके, पूर्व विधायक जतन उइके, ताहिर पटेल, राजू कोल्हे, विश्वास कांबे, संदीप घाटोड़े, योगेश खोड़े तथा अन्य कांग्रेस तथा NSUI कार्यकर्ता भी इस दौरान उपस्थित रहे। आम आदमी के क्रय क्षमता से बाहर होते जा रहे हैं, जैसे खाने का तेल महंगा हो गया, 150-200 रुपये से हो गया। कोरोना काल में वैसे सभी धंधे बंद रहे, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। आज यह विरोध रैली बढ़ती महंगाई की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए युवक कांग्रेस NSUI एवं कांग्रेस परिवार विधानसभा क्षेत्र 128 की पांडुना की ओर से आयोजित की गई। जतन जी ये दे दीजिए साहब, पहले आप नेमावर वाला, नेमावर वाला जो अच्छा। हाँ बोलिए बोलिए। जी नेमावर का मामला में हम आपको शायद जानकारी है, तो बहुत ही इतना भी निंदा करें कोई शब्द नहीं है। एक ट्रैवलों के ऊपर वो जो नेचर को इतना बना कर रखते हैं उन लोग, देश को दुनिया को चलाने वाले लोग हैं वो, सहयोग करने वाले, उनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ, बड़ा निंदनीय कृत्य हुआ। हम उसका ताकत से विरोध करते हैं। CBI जांच करेंगे, जांच चाहते हैं कि CBI की जांच हो। प्रोफ शंकर में माननीय महोदय सागर निवेदन है कि माननीय मामले में आदिवासी परिवार के सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड की घटना हुई है, जिसमें एक ही परिवार के 5 सदस्य जिनमें 4 महिलाएं एवं एक बालक की निर्मम हत्या की गई, जिसमें मुख्य आरोपी सहित 4 आरोपियों को हिरासत पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अतः आदिवासी समाज में आक्रोश है जिसकी हम निंदा करते हैं और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो एवं CBI की जाँच हो। इस तरह आपके माध्यम से फोटो खींचा। चलो सबको कार्यालय चलना है, सभी को लोगों कार्यालय वापिस चलना है। खबर समय जगत के लिए पांडुर्ना से देवेंद्र खुरसंगे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।